दिल्ली पुलिस को अवैध ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से लोगों को ठगने वाले ऑनलाइन गेमर्स के अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। इस गिरोह का पर्दाफाश साइबर नॉर्थ पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा किया गया है। पुलिस ने 3 जालसाजों को अब तक फर्जी प्री होस्टेड गेमिंग वेबसाइटों पर ऑनलाइन फन बेटिंग गेम खेलने का लालच देकर लोगों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त एक प्रतिष्ठित फर्म के एक आईटी इंजीनियर की शिकायत पर जांच शुरू हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उससे फन बेटिंग गेम के बहाने 1.49 लाख रुपए की ठगी की गई है। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अनिल गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक इंटरस्टेट सिंडिकेट ऑफ फ्रॉडस्टर्स ये गैंग बस्ट किया है। 3 लड़कों की अरेस्ट करी है। मामला हमारे बुराड़ी थाना जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। इन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल में एक कंप्लेंट दी कि 1.49 लाख का इनका जो पैसा है वो ऑनलाइन गेमिंग में किसी ने इनके साथ फ्रॉड किया है। हमने केस दर्ज किया, चेक किया कि एक funplay9.com पे इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। मनी ट्रेल और जो मोबाइल टेलीफोनी का सर्वेलेंस होता है उसके चलते ये पाया गया कि ये फेडरल बैंक और यूनियन बैंक के इंटरस्टेट अकाउंट से कर्नाटका के और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह के। फिर चलते चलते इसमें जब इन्वेस्टिगेशन और आगे हुई तो एक दिल्ली में उत्तम नगर एरिया का एड्रेस आता है, जहां पर हमारी टीम ने बड़े अच्छे से एक स्विगी के जो डिलीवरी बॉय है वो बनके वहां पर रेड करी। और ये 3 लड़के जिनका नाम मेन सरगना का श्रियांश चंद्रशेखर और साथ में आयुष और यश, इनको पकड़ा। श्रियांश चंद्रशेखर और बाकी इन दोनों की जब इंटरोगेशन में पता चला कि इन्होंने एक राज नाम के शख्स से ये सीखा कि ऑनलाइन गेमिंग में एक कॉइन सिस्टम से लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद में उनसे पैसा लेते हैं और कॉइन देते हैं। जब वो लोग हारते हैं तो वो पैसा इनकी तरफ जाता है। जब इनकी कोई वेबसाइट जिसमें कि इनका डेबिट ज़्यादा बढ़ जाए तो ये वेबसाइट बंद कर देते थे, फ़ोन बंद कर देते थे। funbet.9 betbhai9 gold99 सिल्वर एक्सचेंज स्काई पैटर्न इस तरीके की कई वेबसाइट्स हैं जो इन्होंने पहले बनाई और बाद में कैंसिल कर दी। इनसे हमें काफ़ी सामान भी मिला है, 8 डेबिट कार्ड, 3 आईफोन, 4 स्मार्टफोन अलग से, 8 फेक सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, 1 क्रेडिट कार्ड, 2 ई सिम और बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली है। और इनके जो बाकी मेंबर्स हैं और इसमें जिन्होंने इनके साथ साथ दिया है उन पर तफ्तीश जारी है, और इन्होंने किन लोगों को ठगा है इसके बारे में भी तफ्तीश जारी है। जो हमारा स्टाफ है जिन्होंने अच्छा काम किया है, SI गुमान सिंह और उसकी टीम ने, इनको हम रिवार्ड कर रहे हैं। थैंक यू।